पप्पू करनी होती तो मैं शर्जील के साथ जाता। उनकी मर्जी है, चेयरमैन है। एक चीज मुझे अच्छी लगी है, जो पास में चेयरमैन थे ना, तनिया पी के सुते हुए थे, चेयरमैन साहब आए, अब चेक एंड बैलेंस तो होगा, सबका होगा। ना मैं पागल बन सकता हूँ, ना आप पागल बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि मिसबा वकार ने बड़ी टीम से नहीं जीता। मैं ये कहता हूँ कि 2011 के बाद हमने कौन सी टीम से जीता बड़ी, जब आप ये स्ट्राइक रेट, ये छक्के, ये नहीं, मैच को लेके जाए, मैच को लेके जाए। देखें, पाकिस्तान की टीम है, यारी दोस्ती पे कभी नहीं खेल सकती। एक तो ये प्लेयरों को भी समझ आ जानी चाहिए, मैनेजमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए। इस टीम में मोहम्मद आमिर को लिया जाना चाहिए था, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप को देखते हुए उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए थी। देखिए, उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो डोमेस्टिक खेल रहा होता। मैं इस हक में नहीं होता कि आप डोमेस्टिक ना खेलें, दुनिया की लीग ज़रूर खेलनी चाहिए। अगर आपने रिटायरमेंट ली है तो फिर आप कैसे खिला सकते हैं? आप वापस लेते हैं, डोमेस्टिक जो हुआ पिछले दिनों, T20 भी हुआ या कोई भी क्रिकेट हुई है, वो उसको खेलनी चाहिए थी। और इस साल भी अगर वो ले लेता वापस कोई 3-4 महीने पहले, तो फिर मैं समझता कि बिल्कुल होना चाहिए था। ऐसा प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर, मैं कहता हूँ ना कि एक्सपीरियंस हम लोग मिस करेंगे, हम लोग ज़रूर मिस करेंगे उसको। वहाब को मिस करेंगे, शुएब मलिक को मिस करेंगे, उस्मान कादिर को, फहीम अशरफ और शर्जील का मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि पिछले जो दो टूर थे वो रिजवान और बाबरी ओपन करते हुए आ रहे थे, तो इसलिए उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ओपन करनी होती तो मैं शर्जील के साथ जाता, ठीक है, ओपनर एज ओपनर। हाँ, अगर आपने बाहर बिठाना था तो मेरे ख्याल से फिर शुएब मलिक हम लोग मिस करेंगे, एक्सपीरियंस, जो मिडल में आके इनिंग्स बना सके, प्रेशर को हैंडल कर सके, तो इन प्लेयरों को हम लोग मिस करेंगे। और विकेट टेकिंग, अगर आपने 6 महीने उस साल आपने उस्मान कादिर को खिलाया है, तो सडनली आके वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया, नवाज़ को पिछले 6 महीने से एक मैच नहीं खिलाया, तो वर्ल्ड कप की टीम में आ जाए, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंफ्यूज माइंड लगा मैनेजमेंट का टीम अनाउंस करते वक्त। ठीक है। अच्छा, कामरान रमीज राजा साहब आए हैं और वो आपके जो उम्र के कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ ज़्यादा नहीं समझते कि उनको मौका मिलना चाहिए, तो अब आपके लिए दरवाजे बंद ही समझे जाएँ? देखिए, मेरे लिए आगे कौन से खुले हुए थे, मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ। और उनकी मर्ज़ी है, चेयरमैन है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, जो पास में चेयरमैन थे ना, वो सोए हुए थे और ना तनिया पी के सुते हुए थे, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं थी। अच्छा, एटलीस्ट वो आए ने, आने के बाद उन्होंने फिर चेक एंड बैलेंस किया। आप इससे 2 साल पहले अंदाज़ा लगा लें, चेयरमैन साहब का कुछ पता नहीं होता था। खबरों में कौन हो रहा था? वसीम खान। उसकी क्या नाम, अप्रूवल चल रही होती थी या मिसबा की चल रही होती थी, पता ही नहीं है चेयरमैन साहब किधर है। अब वो चेयरमैन साहब ने वसीम खान साहब को ले गए, वसीम खान साहब नदीम खान साहब को ले आए। अब उनका पता चलता है कि वसीम खान गायब है, नदीम खान का पता है कि ये अब इनके हाथों में है सारी क्रिकेट, तो ये चीज़ ख़त्म होगी। देखिए, चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। चेयरमैन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चाहे वो आप ले या ना ले, लॉजिक दी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मीडिया के थ्रू दे दी कि T20 यंग प्लेयरों की है। यंग प्लेयरों के साथ परफॉर्मेंस और फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। जिनके हम लोगों ने नाम लिए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फिटनेस लेवल यंग प्लेयरों से भी अच्छा है, लेकिन उनका माइंड नहीं ठीक 11 में, तो फिर ना आप उसको वर्ल्ड कप खेलने दें, टीम को सपोर्ट करें, हम लोग उसके बाद फिर बात करेंगे कि देखें ये वर्ल्ड कप नहीं है, इसके बाद फिर 22 का भी है, 23 का भी वर्ल्ड कप है, तो उसके मुताबिक हम लोगों को पता चल जाएगा अब हमारी टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और चेयरमैन साहब आए, अब चेक एंड बैलेंस तो होगा, सबका होगा, हाई परफॉर्मेंस कैंप में भी होगा, हर जगह होगा, ग्रासरूट लेवल पे भी होगा, क्लब क्रिकेट पे अभी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल देखने वाले लोग ज़्यादा, खेलने वाले कोई भी नहीं मेरे सिवा आपको कोई नज़र आ रहा, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है बेहतरी करने के लिए। चैलेंजेस बहुत हैं, मुझे पूरी उम्मीद है एक्स क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं, कि पाकिस्तान की क्रिकेट वो संभाल सकेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड कप से पहले जो सिनेरियो हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अगर समझते हैं ठीक है, तो फिर विद इन 6 मंथ 1 साल में रिकवर हो जाना चाहिए, टॉप पे क्रिकेट जानी चाहिए, जीतनी चाहिए, हम लोग जीतेंगे। उस वक्त कहा जा रहा है कि मिसबा वकार ने बड़ी टीम से नहीं जीता। मैं ये कहता हूँ कि 2011 के बाद हमने कौन सी टीम से जीता बड़ी, जो भी कोच आए हैं मुझे बताएं, कोई बड़ी टीम से जीते हैं हम लोग सिवाय मिसबा की कप्तानी में? एक हम लोग इंडिया में जीते हैं, एक साउथ अफ्रीका में सीरीज़, उसके अलावा हम होम सीरीज़ इंग्लैंड से जीते हैं, न्यूजीलैंड से जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं वनडे, कुछ भी नहीं है। ऐसी फजूल में ये बातें कर रहे हैं, हम लोग पिछले 5-6 साल से 7 साल से हम लोग नीचे जा रहे हैं, अब यहाँ से उठना
चेयरमैन साहब का काम है जो क्या प्लानिंग करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे ऊपर लेके जानी है। अब उनका माइंड चलेगा, क्योंकि माइंड इसलिए चलेगा कि वो क्रिकेट के साथ जुड़े रहे हैं और उनकी अवेयरनेस भी सबको पता है। वो खुद भी बात करते थे, हमेशा टीम अच्छा नहीं करती थी डोमेस्टिक लेवल पे, वो बात करते थे डोमेस्टिक प्लेयरों को फाइनेंशियली बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। मैं आपको उन्हें बताऊँ, आप भी क्लब में आए हैं, देख रहे हैं कोई प्लेयर नज़र आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रही, फाइनेंशियली बड़े इशू हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है रमीज़ भाई के लिए, क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। ठीक है कामरान, ये वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में टीम को आप किसी अच्छी जगह पर फिनिश करते हुए देखते हैं? देखिए बिंगे पाकिस्तानी है और मेरी तो खुशी है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे और अच्छी फिनिश। देखें वो तो बाद की बात है, बस फाइट नज़र आनी चाहिए। फाइट देखिए, हार जीत तो एक ने हारना, एक ने जीतना, प्लानिंग और फाइट नज़र आए। ये नहीं कि बाबर आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया ऊपर से तो गिव अप कर दे, ये चीज़ ना हो, ये एटीट्यूड ना हो। बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करेगी, जब बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो बड़ी से बड़ी टीम को हराने की एबिलिटी होगी। प्लानिंग के साथ अपनी मोटिवेशन आप रखें, सेल्फ बिलीव रखें, ये सोचें कि पिछले 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने कहाँ कहाँ गए हैं, सेमीफाइनल खेले हैं, तो इस बार क्यों नहीं खेल सकते और टॉप 4 में क्यों नहीं आ सकते। वो उसी सूरत आएंगे जब आप ये स्ट्राइक रेट, ये छक्के, ये नहीं मैच को लेके जाए, मैच को लेके जाए कि 20 जरूरत क्या है, 20 ओवर कैसे हमने एज अ बैटिंग यूनिट कैसे फिनिश करने हैं, पिच के मुताबिक कितना टोटल होना चाहिए। फास्ट बॉलर है अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो पिच के मुताबिक हमारी टीम के लिए कितना सूटेबल होगा उसके मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी, ये बड़ा काउंट करेगा। आपके 2 कप्तान अभी हाल ही में कौमी टीम से अलग हुए हैं, आपको कोई दुख हुआ है? देखिए अफसोस है, दुख है। आप मिसबा और विकी भाई की बात कर रहे हैं। देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि पिछले जो 2 कोच थे वो इनसे भी बुरा कर रहे थे, तो हमने पूरा टाइम दिया उनको, जाएं जी आप पूरा बेड़ा गर्क करके जाएं, तो इनको भी 3 साल दे देते, उतना बेड़ा गर्क तो नहीं ना करना था, बेहतर ही करना था ना। लेकिन कुछ पॉलिसी इनकी अपनी है, जो गेम अवेयरनेस है, 11 खिलाने, नजायज़ अभी फेवरिज्म मैं बोलूँगा, पसंद ना पसंद वो थोड़ी सी आगे आई है, तो ये चीज़ें ना होती। देखें पाकिस्तान की टीम है, यारी दोस्ती पे कभी नहीं खेल सकती, एक तो ये प्लेयरों को भी समझ आ जानी चाहिए, मैनेजमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए, तो इस पर क्रिकेट टीम कभी ऊपर नहीं जाएगी। क्रिकेट टीम उसी वक्त ऊपर जाएगी जब जीतेंगे आप और मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे, ग्रेट प्लेयरों में आएंगे। आज मैं देख रहा था ICC ऑलराउंड कैटेगरी में हमारा कोई भी नहीं है, फास्ट बॉलिंग में कोई नहीं है T20 में, यहाँ से अंदाज़ा लगा ले हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी बड़ी टीमों के खिलाफ जीत नहीं है। तो जीत आएगी तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, हम लोग चाहे आप हाई परफॉर्मेंस कैंप में मोहतशिम रशीद को कोच बना देंगे ना, जब टीम जीतेगी तो उसका भी नाम होगा, उसके जाने का दुख होगा। आप यहाँ पे चैपल भी ले आएंगे ना, अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी जाने का किसी को दुख नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ। लेकिन ये है कि जो पास में कोचिस को टाइम दिया है ना, एग्जिट दिया इजी जाने का, इनको भी पूरा वर्ल्ड कप देख लेना चाहिए था। वर्ल्ड कप के बाद जो भी होता, मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करती वो बेहतर हो जाती। ये एक्सक्यूज़ देना कि कोविड की वजह से, फैमिली की वजह से टाइम नहीं दे रहे, ना मैं पागल बन सकता हूँ ना आप पागल बन सकते हैं, साफ सी बात है। तो ये तो मैनेजमेंट कोविड में ही आई है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से बींग ए प्रोफेशनल, मिसबा के एटीट्यूड जो उसका प्रोफेशनलिज्म है क्रिकेट खेलते वक्त भी, वो मुझे पता है कि ग्राउंड घर जाना पसंद ही नहीं करता, तो ना कैप्टनसी में गया ना कोचिंग में गया, तो ये कोई और रीज़न है। अल्लाह करे कि उस रीज़न की वजह से गए हैं कि वो समझ रहे हैं कि क्रिकेट बेहतर होगी, तो हमारी दुआएं पूरी सपोर्ट है PCB को जो भी डिसीजन ले। लेकिन अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि चेक एंड बैलेंस चेयरमैन साहब कर रहे हैं, आए हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने सुबह 9 बजे आना, शाम को 6 बजे जाना है, जो भी डिसीजन होगा उनके अंडर होगा, उनकी आंखों के सामने होगा, उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। ये नहीं कि कोई भी नथु वगैरह उठ के डिसीजन ले लेगा, अपना रूल बना देगा और क्रिकेट करवा देगा, एटलीस्ट प्रोसेस के साथ होगी। प्रोसेस के साथ। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी रमीज़ राजा साहब के हवाले से, कामरान की मिसबा उल हक के हवाले से भी, और जो सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले जिनको पूरा पूरा टाइम दिया है उन्होंने इतना बेड़ा गर्क किया, इनको भी इतना वक्त तो दे देते, कम से कम एक इज्जत वाले रास्ते के साथ जाते। और ये कहते हैं कि मिसबा के साथ इन्होंने क्रिकेट इतनी खेली है, वो तो ग्राउंड से जाना ही पसंद नहीं करते, तो वो ग्राउंड से जाना बैसकी थे कोच कैसे पसंद कर सकते हैं, ना वो उसका इंतखाब कर सकते हैं। रमीज़ राजा साहब एहतसाब करेंगे और जो क्रिकेट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक चलाएँगे तो नतज बेहतर आएँगे। हाफिज़ इमरान को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें लाने के बाद।